मैरिजेस कैन टेक प्लेस बिटवीन टू अपोजिट जेंडर्स, ये मैंने पहले ही कहा था, आई एम ऑन रिकॉर्ड ऑन बिहाफ ऑफ संघ। मैरिज का ये देखिए, मैरिज हिंदू जीवन दर्शन में विवाह जो है एक संस्कार है, इट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ओनली एंजॉयमेंट, नाइदर इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। विवाह जिसको विवाह कहते हैं, साथ कोई भी रहना वो अलग है, आप मैरिज जिसको कहते हैं वो भारतीय चिंतन में हिंदू दर्शन में हजारों वर्षों से लाखों वर्षों से यह एक संस्कार है, षोडश संस्कार। उस संस्कार के अर्थ यह है टू इंडिविजुअल्स दे गेट मैरिड एंड लिव टुगेदर, लेकिन वो केवल अपने लिए नहीं है, वो एक परिवार बसाते हैं, वो समाज हित में होता है, ग्राम हित में होता है। इसलिए हमारे हिंदू जीवन पद्धति के सभी विवाह के जितने भी हमारे यहां रस्में हैं, मंत्र है वगैरह, उसमें आप दोनों इकट्ठे आ रहे हैं ये समाज जीवन को अच्छा करने के लिए। धन्यो गृहस्थाश्रम यह हमारे यहां का है, इसलिए गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना यानी जो विवाह करने वाले हैं तो वो इस आदर्श को पूरा करने के लिए है। इट इज नॉट फॉर पर्सनल फिजिकल सेक्सुअल एंजॉयमेंट, इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ संस्कार। संघ इसलिए इस विषय को जो समाज के जो रिवाज है अभी तक के उसमें, हाँ उसमें आधुनिक काल में कुछ दहेज की पद्धति हो गए उसको दूर करो, ऐसे कुछ विषय हो सकता है, लेकिन समाज में विवाह यह पुरुष और स्त्री